हेलो एवरीवन, तो इस वीडियो में हम 6 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। देखिए, क्वेश्चन हमारा है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट सिंकोना ट्रीज डज नॉट ग्रो। ठीक है, सिंकोना कहाँ पे ग्रो नहीं करता है? तो देखिए, ऑप्शंस हमारे हैं आसाम, छत्तीसगढ़, केरला और वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो देखिए आसाम, केरला और वेस्ट बंगाल, आसाम, केरला एंड वेस्ट बंगाल में ये जो सिंकोना है वो होगा, बट छत्तीसगढ़ में नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि सिंकोना एवर ग्रीन ट्रॉपिकल प्लांट है, यानी कि यहाँ पे जो है, जहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है, एवर ग्रीन होता है ये। ठीक है, बारिश जहाँ पे ज़्यादा होती है वहाँ पे एवर ग्रीन प्लांट्स पाए जाते हैं, तो सिंकोना उसी एरिया में मिलता है, जैसे आपके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं। ठीक है, वहाँ पे सिंकोना मिलेगा, और साउदर्न स्टेट और ईस्टर्न जो है कोस्ट पे। ठीक है ना, छत्तीसगढ़ में नहीं, क्योंकि ड्राई जो है ये आपका ट्रॉपिकल प्लांट मिलते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे नहीं मिल पाएगा। तो छत्तीसगढ़ इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, सिंकोना इज एन एवरग्रीन ट्रॉपिकल प्लांट। क्या है एवरग्रीन ट्रॉपिकल प्लांट इन इंडिया? एवरग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड इन तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, महाराष्ट्र, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल एंड अंडमान निकोबार आइलैंड, वाइल छत्तीसगढ़ इज सुटेबल फॉर द ड्राई एंड मानसून टाइप ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, ड्राई और मानसून टाइप ऑफ फॉरेस्ट के लिए छत्तीसगढ़ है। ठीक है, सिंकोना ट्री डज नॉट ग्रो इन छत्तीसगढ़ एंड इट इज फाउंड इन द असम, केरला एंड वेस्ट बंगाल। ठीक है, अब अगर हम आइलैंड में देखें तो हमारा कहाँ पे मिल जाएगा? ये अंडमान और निकोबार में भी सिंकोना मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन हमारा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज द फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट। ठीक है, फॉरेस्ट का फ्लेम किसको कहते हैं? तो देखिए, हमारा आंसर होगा ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। ठीक है, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। आपको क्या करना है, आपको जो है ये जो है आपका, अच्छा इसमें दिया भी हुआ है, छोड़िए। देखिए, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा इज कॉल्ड द फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, इट इज नोन एज द ढाक और पलास। ठीक है, मैं पूछने वाली थी कि हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, आप कमेंट में बताएंगे, बट ऑलरेडी यहाँ पे है कि ढाक या पलास भी बोलते हैं। तो पलास क्या है? पलास जो है, या ब्यूटियम मोनोस्पर्मा जो है, वो हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज अ स्टेट फ्लावर ऑफ यूपी। ठीक है, यूपी का स्टेट फ्लावर। ठीक है, यूपी का स्टेट फ्लावर है। तो कमेंट सेक्शन में किसी ने मेंशन भी किया है कि आपका बिहार का स्टेट फ्लावर क्या है, है ना, एनिमल क्या है। तो ये सारी चीज़ें आप एक बार कमेंट सेक्शन भी एक बार चेक किया करिए, कुछ लोग आंसर देते हैं, और आप लोग को भी कोशिश करनी चाहिए जो लोग देख रहे हैं आंसर दें, ताकि और लोगों के लिए भी यूज़फुल हो जाए। ठीक है ना, तो नेक्स्ट हमारा है, एट है हमारा क्वेश्चन, टीक फॉरेस्ट इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया। टीक फॉरेस्ट कहाँ पे मिलता है? तो ये मध्य प्रदेश में। ठीक है, टीक कहाँ पे मिलता है? मध्य प्रदेश में। ऑप्शंस हमारे थे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका और झारखंड। तो टीक जो है फॉरेस्ट है वो मध्य प्रदेश में है। देखिए, टीक फॉरेस्ट हैव अ स्पेसिफिक कॉन्ट्रीब्यूशन इन द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। टीक, साल, सीसम, रोजवुड, देवदार, चीड़, पाइन, स्प्रूस, ये सारे जो है क्या है, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है ना, टीक इज फाउंड इन 8.9 मिलियन हेक्टेयर एरिया ऑफ इंडिया। ठीक है, टोटल 50% ऑफ टीक प्लांट्स इज एक्सपेंडेड इन मध्य प्रदेश। ठीक है, तो और जगह भी मिलता है टीक प्लांट, लेकिन डोमिनेट कौन करता है? मध्य प्रदेश, क्योंकि 50% ऑफ द प्लांट्स ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हैव नो फ्लावर्स, किसके पास फ्लावर नहीं है? ठीक है, तो जैक फ्रूट है, फिग है, ऑर्किड है और फर्न है। ठीक है, जैक फ्रूट, फिग, ऑर्किड और फर्न, तो फर्न जो है, ठीक है, इनके फ्लावर नहीं होते, फर्न के जो है फ्लावर नहीं होते। ठीक है, अब आपको पता होगा फर्न जो है, आपने देखा होगा घर पे भी लगा लेते हैं, तो इस तरीके से हैं। फर्न इज अ वैस्कुलर प्लांट। ठीक है ना, क्या होता है ये, रिप्रोड्यूसेस बाय स्पोर्स। ठीक है, जो इनका रिप्रोडक्शन होता है वो स्पोर्स के थ्रू होता है, एंड हैज़ नीदर सीड्स ऑफ फ्लावर। ठीक है, तो सीड्स और फ्लावर्स नहीं होते हैं, दीज प्लांट्स आर सीडलेस, तो हमारा ऑप्शन डी इज राइट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, द एल्पाइन वेजिटेशन इन द वेस्टर्न हिमालयाज इज फाउंड ओनली अप टू द हाइट ऑफ 3000 meters। ठीक है, फिर से देख लेते हैं, एल्पाइन वेजिटेशन इन द वेस्टर्न हिमालयाज इज फाउंड अप टू अ हाइट ऑफ 3000 meters, वाइल द ईस्टर्न हिमालयाज इट इज अप टू अ हाइट ऑफ 4000 meters। द रीजन फॉर दिस वेरिएशन इज इन द सेम माउंटेन रेंज दैट। ठीक है, अब देखिए ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन, उसके बाद जो है आंसर पे आइएगा। क्या है अल्पाइन जो हमारा वेजिटेशन होता है वेस्टर्न हिमालय में, कहाँ पे मिलता है? ये मिलता है 3000 meters के आसपास। ठीक है ना, वाइल द ईस्टर्न हिमालयाज में ये 4000 पे मिलता है। तो इसका रीजन क्या है, ये वेरिएशन का क्या जो है, क्यों ऐसा है वेरिएशन? ठीक है, देखिए, ईस्टर्न हिमालयाज आर नियर टू द इक्वेटर। ठीक है, ईस्टर्न हिमालय हमारे इक्वेटर से नियर होते हैं, पास होते हैं, एंड द सी कोस्ट। ठीक है, एंड देन द वेस्टर्न हिमालयाज, तो ईस्टर्न हिमालयाज इक्वेटर से पास होने की वजह से वहाँ पे जो है क्या कहते हैं आपका 4000 पे मिल रहे हैं, और जो है ये जो आपका वेस्टर्न हिमालयाज हैं वहाँ पे दूर मिल रहे हैं। ठीक है, और नज़दीक मिल रहा है, तो ये हो गया आपका। देखिए, सिंस द ईस्टर्न हिमालयाज आर नियर टू द इक्वेटर एंड द सी कोस्ट, द स्नो लाइन इन द ईस्टर्न हिमालयाज इज एट द हायर एल्टीट्यूड। ठीक है, इक्वेटर से नज़दीक होने का मतलब गर्मी ज़्यादा पड़ रही है ना, तो गर्मी ज़्यादा पड़ेगी तो स्नो लाइन जो है वो और ऊंचा हो जाएगा और जो है ऊपर चला जाएगा। ठीक है, लेकिन वेस्टर्न हिमालय में जो है सी से
कोस्ट से और ये जो आपका इक्वेटर से डिस्टेंस जो है क्या है, ज़्यादा है। ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है कि वो और जल्दी ही स्नो लाइन मिल जाती है यहाँ पे, ठीक है। तो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस देयर इज वेरिएशन इन द हाइट ऑफ द वेजिटेशन इन द हिमालयाज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एंटीलोप्स एंड चिरू, क्या डिफरेंस है। तो देखिए, ये आपका जो एंटीलोप्स हैं है ना, ओरिक्स इज अडॉप्टेड टू लिव इन हॉट एंड एरिड areas, whereas the chiru is adapted to the steppes and the semi desert areas of cold high mountains, ठीक है। तो चिरु, आप चिरु याद रखिएगा, चिरु ठंडी जगहों पे रहता है, ठीक है, स्टेपीज में रहता है, और बाकी ओरेक्स है वो क्या होता है, हॉट और एरिड क्लाइमेट में रहता है। तो यही मेन डिफरेंस है दोनों में। ओरेक्स इज अडॉप्टेड टू लिव इन हॉट एंड एरिड एरियाज लाइक सऊदी अरेबिया एक्सेट्रा, और चिरु क्या है, चिरु स्टेपीज में, सेमी डेजर्ट एरियाज में, कोल्ड हाई माउंटेन्स में, है ना। तो ये दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन टू ऑफ द गिवन ऑप्शन, ठीक है। अभी हमें क्या कराना, मैच कराना है। टीक कहाँ पे मिलेगा, टीक जो है हमारा सेंट्रल इंडिया में, ठीक है, टीक सेंट्रल इंडिया में। देखा था मध्य प्रदेश में देवदार हमेशा हाई एल्टीट्यूड रीजन्स ऑफ हिमालय में मिलता है, याद रख लीजिएगा। देवदार कभी देखा हो, सुना हो आपने कि देवदार की लकड़ी का ये बनवाया वो बनवाया, नहीं मिलता ना, क्योंकि जो लोग इधर रहते हैं मतलब प्लेन्स एरिया में रहते हैं, देवदार नहीं बल्कि टीक वगैरह मिल जाता है उनको। सुंदरी आपको पता है बिल्कुल क्लियरली सुंदर वन है। सिंकोना कहाँ पे मिलता है, हिमालयन तराई रीजन्स में, ठीक है, हिमालयन तराई रीजन्स में सिंकोना मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे तो ये ईस्टर्न और जो है आपका नॉर्थ ईस्टर्न और ईस्टर्न कोस्ट और वेस्टर्न में इंडिया में मिलता है, बट ये जो है तराई रीजन में मिल जाता है। देखिए, द एक्सपेंशन ऑफ टीक इज फाउंड इन द सेंट्रल, दैट इज मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा। टीक इज फाउंड इन टोटल 8.9 मिलियन हेक्टेयर एरिया ऑफ इंडिया, ठीक है। देवदार क्या है, देवदार जैसे ये जो है एक स्पीसीज है कि ये सीडर नेटिव टू द वेस्टर्न हिमालय एंड एट द एलिवेशन ऑफ, ये कहाँ पे मिलता है, एलिवेशन जो है 1500 से 2500 मीटर्स पे मिलता है, ठीक है। सुंदरी क्या है, इट इज द डोमिनेंट मैंग्रोव ट्रीज, सुंदरी क्या है, डोमिनेंट मैंग्रोव ट्रीज होता है, स्पीसीज ऑफ सुंदरबन्स ऑफ बांग्लादेश एंड इंडिया, ठीक है। सुंदरी ट्रीज आपको पता ना, उसकी रूट से फिर से वो ऐसे निकली, उसकी रूट्स बाहर दिखती हैं, आप पानी के बाहर आप देख सकते हैं, तो ये होता है। सिंकोना क्या होता है, सिंकोना इज अ प्लांट ऑफ हिमालयन तराई रीजन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड, कौन सा सही है हमारा। टीक जो है जम्मू कश्मीर, गलत हो गया। देवदार कहाँ, मध्य प्रदेश में, तो हायर एलिवेशन पे मिलता है, गलत हो गया। सैंडलवुड केरला में कहाँ मिलेगा, तो ये गलत हो गया। तमिल जो है, ये हमारा जो क्या है, सुंदरी, ये वेस्ट बंगाल में, यही सही है, बहुत ईजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मैच द लिस्ट वन एंड लिस्ट टू एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो, ठीक है। फॉरेस्ट है एंड रीजन है, फॉरेस्ट क्या है, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस, ठीक है, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस, ये तराई रीजन में मिलता है। ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस कहाँ मिलेगा, तराई रीजन में मिलेगा, ठीक है ना, मिलता है ना तराई में, मॉइस्ट होता है, डेसिडुअस होता है, ठीक है ना। प्लांट्स लीव अपने जल्दी जो है क्या कर देते हैं, शेड कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस, ड्राई डेसिडुअस कहाँ मिलेगा, मिडिल गंगा प्लेन में, ठीक है, मिडिल गंगा। मॉइस्ट डेसिडुअस तराई में, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस मिडिल गंगा प्लेन में। अल्पाइन कहाँ मिलेगा, तो आपको पता है सह्याद्रीज में मिलेगा, ठीक है ना। और ट्रॉपिकल एवरग्रीन, एवरग्रीन की जब बात आएगी तो आप नॉर्थ ही सीधे चले जाएंगे, तो वहाँ पे ये अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। तो ये हमारा ये करेक्ट था। अब एक बार डिस्क्रिप्शन है तो देख लेंगे यहाँ पे। द डिस्क्रिप्शन ऑफ द फॉरेस्ट रीजन फाउंड इन इंडिया इज गिवन बिलो, क्या है, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट, कौन से दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन द एरियाज ऑफ द मॉडरेट रेनफॉल। मॉइस्ट डेसिडुअस की बात कर रहे हैं, तो ये मॉडरेट रेनफॉल रहेगा तो चलता है इनको, ये कितना है 100 to 150, ठीक है, सेंटीमीटर पर एनम। देयरफॉर दे आर नोन एज द मानसून फॉरेस्ट, ठीक है। तो आपको ये भी पता चल गया कि मानसून फॉरेस्ट ट्रॉपिकल ड्राई डेसिड्यूस फॉरेस्ट होते हैं, ट्रॉपिकल डेसिड्यूस फॉरेस्ट होते हैं, और इनका जो रेनफॉल होता है 100 to 150 होता है। सच एरियाज इंक्लूड बेल्ट रनिंग अलॉन्ग द ईस्टर्न स्लोप ऑफ द वेस्टर्न घाट, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया एंड द भाबर एंड तराई रीजन, ठीक है। तो ये कहाँ पे है, ये जो है ईस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट, ये चीज याद रखिएगा, वेस्टर्न स्लोप में मत जाइएगा, ये ईस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट में जो है मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट मिल जाएगा। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में भी मिलता है, ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, इंडिया के पेनिनसुलर इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न में भी मिलता है, और भाबर एंड तराई रीजन में भी। अब ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस की बात करेंगे, तो ये जो है मेनली जो है कहाँ पे है, ये वेयर जो एनुअल रेनफॉल होता है हमारा 70 to 100, और ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट जो है मॉइस्ट डेसिडुअस में 100 to 150, बट ड्राई डेसिडुअस में इट इज 70 to 100, ठीक है। दीज आर स्प्रेड फ्रॉम द सेंट्रल गैंगटिक प्लेन्स टू साउदर्न इंडिया, ठीक है। अल्पाइन फॉरेस्ट आपको पता है, ये जो है क्या है, ये अल्पाइन फॉरेस्ट ग्रो ऑल अलॉन्ग द हिमालयाज एट एल्टीट्यूड रेंजिंग फ्रॉम द 2800 to 4000 मीटर,
द एक्सपेंशन ऑफ दिस फॉरेस्ट इज फाउंड इन द अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट ये कहाँ पे है, ये जो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट विच ग्रोज इन द दोज एरियाज वेयर एनुअल रेनफॉल एक्सीड्स 250 सेंटीमीटर, ठीक है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन की जब बात करेंगे तो 250 से ज़्यादा रेनफॉल होने लगती है। द एवरग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड अलॉन्ग विद द वेस्टर्न साइड ऑफ वेस्टर्न हिमालयाज, ठीक है, लेकिन अभी हमने क्या देखा था, ईस्टर्न साइड ऑफ ईस्टर्न हिमालय, ठीक है, ईस्टर्न साइड ऑफ ईस्टर्न हिमालय में ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिड्यूस मिलता है, ड्राई भी नहीं मिलता, मॉइस्ट डेसिड्यूस मिलता है, लेकिन अगर एवरग्रीन की बात करेंगे तो वेस्टर्न घाट ऑफ वेस्टर्न हिमालयाज, ध्यान रखिएगा, यानी कि सह्याद्रीज, ठीक है। फिर हमारा है नॉर्थ ईस्ट एंड अंडमान एंड निकोबार, यहाँ पर जो है आपका ट्रॉपिकल फॉरेस्ट मिलता है। तो मैच लिस्ट वन एंड लिस्ट टू एंड सेलेक्ट द आंसर, अब हमें क्या करना है, लिस्ट वन क्या है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ठीक है, कॉनिफर फॉरेस्ट, मैंग्रोव्स और डेसिड्यूस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल क्या है। अब देखिए मैंग्रोव्स आपको पहले जो सबसे ईजी है वही आप मैच कर दीजिए, सबसे ईजी क्या है, मैंग्रोव लगा दिए, मैंग्रोव कहाँ पे, ये आपके सुंदरबंस में मिलेगा। डेसीडुअस कहाँ मिल सकता है, हरियाणा में, ठीक है ना, और कॉनिफर्स कहाँ पे मिलता है, हिमाचल प्रदेश में, और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है साइलेंट वैली में, तो यही हमारा होगा, देख लीजिए इसको। अब इसमें थोड़ा सा ट्रॉपिकल फॉरेस्ट साइलेंट वैली, कॉनिफर्स जो है ये आपका हिमालय हिमाचल प्रदेश में, मैंग्रोव सुंदरबन में, और डेसीडुअस आपका राजस्थान में, ठीक है। तो देखिए सुंदरबंस लार्जेस्ट डेल्टा इज मैंग्रोव फॉरेस्ट इन द वेस्ट बंगाल, कॉनिफर फॉरेस्ट स्प्रेड अक्रॉस द उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर इन इंडिया, एंड साइलेंट वैली जो है आपका, ये आपका ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट इज लोकेटेड इन द पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला, केरला के पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट में मिलता है। ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट स्प्रेड अक्रॉस द गुजरात, राजस्थान एंड मध्य प्रदेश ऑल्सो, ठीक है, तो ये हमारा है। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ओपन stunted forest, ठीक है, with bushes and small trees having long roots and sharp thorns, ठीक है, repeated spines are commonly found in, ठीक है। तो देखिए ये वेस्टर्न आंध्र प्रदेश में होगा, वेस्टर्न आंध्र प्रदेश में है ये, ठीक है, इस तरीके के जो bushes वगैरह हैं जहाँ पे जो है वो जो leaves होती है spine में convert हो रही है धीरे धीरे, तो ये जो है यहाँ पे आंध्र प्रदेश में है, देख लेते हैं इसको एक बार, ये देखिए एबव मेंशन फीचर आर रिलेटेड टू द ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट एंड दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन द एरियाज ऑफ लो रेनफॉल लेस देन 75 सेंटीमीटर, लो ह्यूमिडिटी 50 सेंटीमीटर एंड हाई टेम्परेचर 25 टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड, वेस्टर्न आंध्र प्रदेश इज द रीजन ऑफ द सच फॉरेस्ट, दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री इंक्लूडिंग, कहाँ पे, राजस्थान में, वेस्टर्न जो है साउथ वेस्ट पंजाब में है, वेस्टर्न हरियाणा में, कच्छ में है ना, नेबरिंग रीजन ऑफ सौराष्ट्र, तो यहाँ सारे जो है इस तरीके के फॉरेस्ट मिलते हैं। तो अगर आप इसमें राजस्थान होता तो आप लगाते तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, राजस्थान भी सही था आपका। नेक्स्ट हमारा है विच अमंग द फॉलोइंग ट्रीज इज फाउंड एट द हाईएस्ट एलिवेशन फ्रॉम द सी लेवल, सबसे ऊपर कहाँ कौन सा मिलता है, तो हमने भी देवदार की बात की थी, देवदार हाइट पे मिलता है, ठीक है। फिर ऑप्शन बाकी टीक, साल और पाइन है, तो पाइन भी मिलता है ऊपर ही, लेकिन ये देवदार और जो है सबसे ऊपर मिलता है। तो हाँ देखिए देवदार ट्रीज आर फाउंड एट द हाईएस्ट एलिवेशन 1500 टू 2500 मीटर्स अबव द सी लेवल इन द वेस्टर्न हिमालयस, ठीक है। डिटेल ऑफ अदर प्लांट्स, कौन चीर कहाँ पे मिलता है, नेटिव ऑफ द हिमालयन एंड फाउंड एट द एलिवेशन ऑफ 9000, ठीक है। साल कहाँ पे है, साल इट इज मेनली फाउंड सब हिमालयन रीजन, ईस्टर्न रीजन ऑफ सेंट्रल हिमालय, सेंट्रल इंडिया एंड तमिलनाडु, तो यहाँ पे साल मिल जाएगा। टीक कहाँ पे मिलेगा, टीक आपका है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये कर्नाटका है ना, तमिलनाडु, गुजरात और महाराष्ट्र। और अब हमें ये जो हमारा यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 सब दिया हुआ है, और हमें क्या करना है, हमें मैच कराना है कि कौन सी चीज़ें कहाँ मिलती हैं, ठीक है। तो देखिए ये है क्या क्वेश्चन में, रफ मैप अलोंग दीज दोज विच आर थ्रिटन इन 1997 बाई अ सीरियस, अच्छा एपिडेमिक इंक्लूड। तो देखिए ये जो हमारा साल वाला एरिया है, ये वाला एरिया ये जो है थ्रेटन था, क्यों था देख लेते हैं। द प्लेस मार्क 3 इन द मैप इज द साल फॉरेस्ट विच वर थ्रेटन इन 1997 बाय द सीरियस एपिडेमिक, दीज गॉट इन्फेक्टेड फ्रॉम अ ट्री पेस्ट, ठीक है, विच वीकेंड ट्रीज रिजल्टिंग द फॉरेस्ट लॉस, ठीक है। तो एक ट्री जो है का पेस्ट था, उसी की वजह से जो है यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई थी, और जो है फॉरेस्ट प्लांट्स वीक हो गए थे एक्चुअली।
तो डिस्ट्रक्शन इस तरीके से हो गया था वहां पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स फॉरेस्ट आर क्लासिफाइड एज द सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। ठीक है, सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कौन सा स्टेट हम जो है क्लासिफाई करते थे, ये मध्य प्रदेश है। देखिए, ट्रॉपिकल ड्राई डेसीडुअस फॉरेस्ट और सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट एक्सपेंशन इज फाउंड इन द मोस्ट पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, ट्रॉपिकल ड्राई डेसीडुअस और सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कहाँ पे मिलेंगे, मध्य प्रदेश में। ठीक है, ट्रॉपिकल ड्राई डेसीडुअस को ही हम सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट भी कहते हैं, याद रख लीजिएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियली द स्पीसीज ऑफ द हिमालयन वेजिटेशन, कौन सा नहीं है। ठीक है, कौन सा नहीं है, तो महोगनी इज नॉट द एसेंशियल स्पीसीज ऑफ द हिमालयन वेजिटेशन। ठीक है, क्या है आपका, जूनिपर है, सिल्वर फर है, स्प्रूस है, ये सारी है, बट महोगनी महोगनी नहीं है। ठीक है, देखिए, ओरिजिनली महोगनी ट्रीज आर फाउंड इन द ट्रॉपिकल रीजन ऑफ द नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका। ठीक है, नॉर्थ और साउथ अमेरिका का है। दिस ट्री इज अबंडेंट इन द वेस्ट इंडीज, सेंट्रल अफ्रीका एंड साउथ अफ्रीका। रेस्ट ट्रीज आर एसेंशियली स्पीसीज ऑफ द हिमालयन वेजिटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैच लिस्ट वन एंड लिस्ट टू एंड करेक्ट द राइट आंसर फ्रॉम द कोट्स गिवन बिलो। ठीक है, लिस्ट वन एंड लिस्ट टू, लिस्ट वन क्या है, ग्रास लैंड हिल्स एंड स्टेशन, और लिस्ट टू है लोकेशन स्टेट। ठीक है, अब बन्नी ग्रास लैंड, बोग्याल ग्रास लैंड, ठीक है, और खाजर, और फिर आपका है पहलगाम। ठीक है, तो ये कहाँ कहाँ पे मिल रहा है, तो देखिए इसको, बन्नी ग्रास लैंड गुजरात में है। ठीक है, बन्नी ग्रास लैंड कहाँ पे, गुजरात में है। बुग्याल कहाँ पे है, उत्तराखंड में, बुग्याल आपको पता होगा। ठीक है, बुग्याल उत्तराखंड में है, और फिर है खज्जर, ये आपका कहाँ पे है, ये हिमाचल प्रदेश है। खज्जर खज्जर क्या पढ़ेंगे आप, एक बार देख लीजिएगा। पहलगाम है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, पहलगाम है जम्मू कश्मीर में, और खज्जर ये जो है आपका हिमाचल प्रदेश में है, बुग्याल उत्तराखंड में है, और बन्नी जो है ये गुजरात में है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एन एग्जाम्पल ऑफ अ मल्टीपर्पज ट्री यूज फॉर द सोशल फॉरेस्ट्री। ठीक है, सोशल फॉरेस्ट्री क्या होती है, ऐसी फॉरेस्ट्री जो सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल हो। ठीक है, सोशल फॉरेस्ट्री, एन एग्जाम्पल ऑफ द मल्टीपर्पज ट्री यूज इन सोशल फॉरेस्ट्री, कौन सा है ये, खेजर है, खेजरी है। ठीक है, खेजरी। एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपर्पज ट्रीज विच यूज फॉर सोशल फॉरेस्ट्री इज द खेजरी ट्री, इज नोन ऑफ द किंग ऑफ डेजर्ट। ठीक है, डेजर्ट का किंग कहा जाता है इसको। द वुड ऑफ खेजरी इज गुड फॉर द सोर्स ऑफ फ्यूल। ठीक है, एंड प्रोवाइड्स एक्सीलेंट चारकोल जो है, फिर उसके बाद फायरवुड में भी इसका हेल्प होता है, फॉर्डर में भी, ग्रीन मैन्योर। ठीक है, गोट प्रूफ थॉर्नी फेंसेस। ठीक है, इसके बाद खेजरी इज द फॉरेस्ट रेसिस्टेंट, ड्रॉट रेसिस्टेंट। ठीक है, फ्रॉस्ट रेसिस्टेंट एंड ड्रॉट रेजिस्टेंट। ठीक है, इसके बाद क्या है ये मतलब जितनी भी एक्सट्रीमिटीज हैं उसको झेलने की क्षमता रखता है ओवरऑल। ठीक है, इट रिक्वायर्स मिनिमम रेनफॉल। तो ये जो है, ये प्लांट हमारा खेजरी प्लांट्स है, वो बहुत ज़्यादा रेनफॉल की डिमांड नहीं करता है। दैट्स वाई खेजरी इज प्रिफर्ड एज द प्लांट स्पीसीज फॉर द सोशल फॉरेस्ट्री प्रोग्राम। ठीक है, अब सोशल फॉरेस्ट्री प्रोग्राम में हम वही प्रोग्राम बहुत ही जो डेलिकेट से हो, जो जिनको बहुत ज़्यादा जो है प्रिजर्व करके रखने की ज़रूरत हो, है ना, आप सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट तो जानते ही है ना, तो उस तरीके के प्लांट्स को हम रखते हैं ताकि हम बहुत ज़्यादा उसमें हमें केयर करने की नाजुक पड़े और हमें अच्छा आउटपुट दे दे। ठीक है, लीसा इज ऑप्टेन फ्रॉम द ट्री। ठीक है, तो ये कहाँ पे मिलता है, पाइन में मिलता है। लीसा इज द सिग्निफिकेंट फॉरेस्ट ऑप्टेन फ्रॉम द पाइन ट्रीज उत्तराखंड। ठीक है, कहाँ पे, पाइन ट्रीज में मिलता है लीसा। लीसा लीसा कहाँ पे मिलता है, कहाँ से ऑप्टेन होता है, पाइन ट्रीज से, याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तराखंड से इट इज ऑल्सो टैप कॉमर्सरी फॉर रेसिन। ठीक है, रेसिन के लिए कॉमर्सरी इसको टैप किया जाता है। ये भी पूछ सकते हैं कि रेसिन के लिए कौन सा प्लांट जो है इसको टैप किया जाता है। और On distillation, resin fields an essential oil commonly known as the turpentine oil. ठीक है, turpentine, ठीक है, turpentine oil. I think turpentine वाला यही वाला oil है ना, जो जब हम painting वगैरह कराते हैं तो उसमें कुछ turpentine डालते हैं शायद, शायद अगर ऐसा हो तो आप comment section में बताइएगा, otherwise turpentine का use क्या होता है बताइएगा। ठीक है, non volatile erosion which are used in, अच्छा, वराइटी ऑफ इंडस्ट्रीज जैसे पेपर है, सोप है, कॉस्मेटिक्स है, पेंट्स है, हाँ बिल्कुल वही वाला है। ठीक है, वार्निश है, रबर है, एंड पॉलिश इंडस्ट्रीज। ठीक है, लीसा इज द प्राइम रिसोर्स फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड बेस फॉर द रूरल इकोनॉमी ऑफ उत्तराखंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मैच लिस्ट वन लिस्ट टू, लिस्ट वन में मैंग्रोव्स है, लिस्ट टू में स्टेट है। ठीक है, हमें क्या करना है, मैच करना है मैंग्रोव्स और स्टेट। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये आपका आचरा रत्नागिरी, ठीक है, ये केरला में है। ठीक है, केरला में है, और कोंदापुर ये कर्नाटका में है, पिचवरम ये तमिलनाडु में है, और वेमनाथ केरला में है, वेमनाथ केरला में है, आचरा रत्नागिरी ये जो है आंध्र प्रदेश में है। तो देखिए, वेमनाथ देखते ही आपको बता देंगे आप केरला में है, पहले जो ईजी होगा वही आप कर लीजिएगा। पिचवरम भी आपको पता होगा ये तमिलनाडु में है, बाकी दो आपको लगाना है। तो ये
कोंदापुर जो ये कर्नाटका में है, और अच्छा रत्नागिरी ये जो है आपका आंध्र प्रदेश में, एक बार चेक भी कर लीजिए। देखिए, द डिस्क्रिप्शन ऑफ द मैंग्रोव वेजिटेशन रीजन्स फाउंड इन इंडिया इज गिवन बिलो। पहले मैंग्रोव वेजिटेशन एरियाज ऑफ महाराष्ट्र क्या है, महाराष्ट्र में अचरा, रत्नागिरी और रायगढ़, देवगढ़, ठीक है, ये सारे नाम है, देख लीजिएगा। और फिर मैंग्रोव मैंग्रोव वेजिटेशन एरियाज ऑफ कर्नाटका है, कोंदापुर, ठीक है, होनावार और कारवार, ठीक है, तो ये हो गया आपका। और नेचुरल वेजिटेशन एरियाज ऑफ केरला में अमनाड है, कन्नौर है, ठीक है। फिर इसके बाद तमिलनाडु में देखिए पिचवरम है, मुथुपेट है, रामंद है, पुलिकट है, ये सब देख लीजिएगा नाम। और फिर है जो है वेस्ट बंगाल में अगर देखें सुंदरवंस है, ठीक है, और मैंग्रोव वेजिटेशन एरिया ऑफ उड़ीसा, भीतर भीतर कनिका और देवी, ठीक है, धर्मा, ठीक है, चिलिका, ये सारे ऑप्शन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। सुंदरवन वेस्ट बंगाल, ठीक है, बिल्कुल सही है, भीतर भीतर कनिका उड़ीसा, बिल्कुल सही है, पिचवरम कहाँ, तमिलनाडु में, वेम्बनाथ केरला में है, कर्नाटका में नहीं, तो ये हमारा गलत हो जाता है। ऐसे ये क्वेश्चन कहाँ से आई एस का क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, अगर स्टेट लेवल पे जैसे कहीं कोई पूछ ले तो देख लीजिएगा इसको। अब देखिए ये आपका इरिगेशन इरिगेशन एंड कैनाल है, ठीक है, इरिगेशन कैनाल है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।